जब आया और मैंने समाचार पत्रों में खबर पढ़ी, समाचार पत्रों में खबर पढ़ी तो कुछ कांग्रेस के कुछ ये मसला क्या है और उस मसले की जो जानकारी सामने आई के साथ सोशल मीडिया पर कोई चीज लिख दी और उस वजह से धार्मिक उन्माद बिगड़ रहा है और किसी को मोसेरे भाई लिख दिया दो दोस्तों को तो उनको गिरफ्तार कर और वो लोग दोनों एक बार तो सामूहिक रूप से और एक बार अलग अलग आकर गया साहब ज्ञापन दिखे साहब ने ज्ञापन की मूल प्रति SP साहब के और मैंने जैसी जानकारी जुटाई। आज देश में लोकतंत्र में ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कोई भी मसला होता है तो उस पर जनता उसकी प्रशंसा कर सकती है, युक्तियुक्त आलोचना कर सकती है, समालोचना कर सकती है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जो मैं हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी ने की। जिस तरह शरीर में अगर बुखार आ जाता है और उस बुखार में हम मिठाई और रसगुल्ला खिलाएं तो उस बुखार का उपचार नहीं होता, उसके लिए हमें नीम की गोली खानी पड़ती है, नीम की निमोली का सेवन करना पड़ता है, नीम की पत्तियों का सेवन करना पड़ता है ताकि रक्त की शुद्धता बन जाए। इसी तरह लोकतंत्र में हम नीतियों की नीतिगत आलोचना कर सकते हैं, समालोचना कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इन चीज़ों को सकारात्मक लेने के लिए एक कार्यकर्ता जो दलित समाज से हमारे संबंधित है उसको कैसे हैरेसमेंट किया जाए, उसकी आवाज़ कैसे बंद कर दी जाए और उसका सबक लेकर दूसरे कल जो मदान रूप से चले तो उनके विरुद्ध कोई बोल ना सके, ये लोकतंत्र का सीधा सीधा गलत है। सबसे बड़ा प्रश्न ये पैदा होता है, जो फोटो डाला गया मैंने भी देखा है, उन दोनों भाइयों ने एक जैसा सूट पहन रखा है, देखा पता ही नहीं है आपने, किसी को पता है एक जैसा सूट है, एक जैसी जेब है, एक जैसे बटन है। अरे भाई ये सूट लाए कहाँ से, आप ये तो बताओ किसने गिफ्ट किया है, किस चेयरमैन ने आपको गिफ्ट किया है? कल आप उनके साथ बैठकर मौज मस्ती कर रहे थे, आप कहते हो उस चेयरमैन को गिरफ्तार कराएंगे। अरे चेयरमैन को गिरफ्तार करने के पहले तो ये सूट जिसने आपको भेंट किया है ना, ये उसी चेयरमैन ने भेंट किया है, लेकिन डर के मारे बेचारा वो बता नहीं पा रहा है। इस प्रकार का चरित्र अगर आप पेश करोगे तो समाज के अंदर आम जनता में से ऐसी टिप्पणियां आना स्वाभाविक सी बात है। और एक बात, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, कोई अगर जेब काटता है या कोई वस्तु चुराता है तो उसे हम चोर कहते हैं, तो IPC में उसका सेक्शन है। ये तो बात मोसरे भाइयों के लिए लिखी है, लेकिन वो मोसरे भाई क्या कर रहे हैं, बहुत आपने जो शब्द लिखा है राजनीति में संतुष्ट नहीं हूँ, संपदा का उनके साथ जो मोटरसाइकिल लेकर दिखी है सब नहीं रखते थे, उन्होंने 30-40 बीघा जमीन बर्ग में खरीद दी है, 2.5 करोड़ की कोठे बना रहे हैं, बिना खनिज रवन्नाओं के अवैध दोहन कर वो चोरी नहीं डकैती डाल कर इनका संरक्षण कर रहे हैं, इनका पेट भर रहे हैं। ये चोर हुए या डकैत हुए? चोर है बिल्कुल। जो काम 13 साल से एक भाई साहब कर रहे थे अब वो दूसरे भाई साहब, जिनके मोहर तो नहीं लगी लेकिन ये कमान अब उन्होंने संभाल। तो राजेश ने कोई गलत नहीं लिखा और राजेश को गिरफ्तार करते हो तो पुलिस यहाँ मौजूद है, एक मुकदमा मुझ पर भी दर्ज कर लो और मुझे भी आप गिरफ्तार कर। मैं खुले रूप से बात कह रहा हूँ, जनता के अंदर सब्जी अगर आलू की बनेगी तो आलू की खुशबू उड़ेगी, जनता के अंदर किसी भी प्रकार का आप छोंक लगाओगे तो उसकी खुशबू कमरे में, आप उसकी खुशबू या उसकी जो भी है गंध कमरे में रह नहीं सकती। अच्छाई होगी तो अच्छाई की गंध और प्रकाश सामने आएगा, जैसा आप कर्म करोगे जैसा परिणाम सामने आएगा। 13 साल से मिक्स सब्जी बन रही है दोनों की, ये जनता देख रही है, 13 साल से दोनों की मिक्स सब्जी बन रही, इस बार आए आमने सामने। और एक कार्यकर्ता ने जो पत्रकार के रूप में समाज में कार्य करता है, दलित समाज से संबंधित है, दलित उत्पीड़न के विषयों में बोलता है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, भगवा रैलियों से लेकर मानदाता बालाजी तक के आंदोलन में हर जगह इसकी भूमिका रहती है,
अगर उसका अरेंजमेंट करोगे तो ये मेरे मोहल्ले का कार्यकर्ता है। आज तुम प्रतिनिधि के रूप में ज्ञापन देने आए, स्पष्ट जिला प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं, ये खुली चेतावनी है। राजेश को अगर सरकारी हथियार के माध्यम से प्रताड़ित करने, कोई सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख सकता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख सकता है, योगी जी के लिए कुछ भी लिख देते हैं, केजरीवाल के लिए कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन उस लिखावट में उसकी गहराई में जाकर तलाशो बात क्या लिखी हुई है। अगर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट करके अगर कोई गलत बात लिखी है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, लेकिन सामान्य प्रक्रमों में आप अपनी भूमिका दिखाएंगे, जनता उसका एनालिसिस करती है, उस कॉपी को जांचती है, उसके बाद अपनी राय प्रकट करती है, तो आपको अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। हम उस आचरण में सुधार नहीं करें और जो हमें वो सीख दे हम उसका ही हेरेजमेंट करने की कोशिश करें, और सोशल मीडिया पर जिस तरह की बात सामने आई है उसमें किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं बन रहा, और आज हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो प्रशासन उस सूट की जांच करे, वो सूट कहाँ से आया इसकी जांच जिला प्रशासन को करनी पड़ेगी। उस सूट किस टेलर ने सिला है, किसने वो कपड़ा गिफ्ट किया है, कहाँ से और ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो सूट को पहनकर उन दोनों नेताओं को अपनी एकता दिखाने के लिए एक मंच पर आना पड़ा और फोटो खिंचवाना पड़ा, ये है जांच का विषय। उस कार्यकाल के दौरान वो सूट गिफ्ट किया गया और सोशल मीडिया पर उन दोनों भाइयों ने जिस तरह का एक जैसा सूट पहन रखा है, एक जैसा बटन है और जेब में हाथ डालकर वो क्या इंगित कर रहे हैं, ये हमें स्पष्ट करें जनता के सामने। और जिस प्रकार का आज आचरण आप प्रकट कर रहे हो, 5 साल पहले आप लोगों का आचरण, 10 साल पहले आपका आचरण जनता ने देखा है। इसलिए अगर इस दलित कार्यकर्ता को परेशान करने की कोशिश की गई तो मैं परसों से कागी देवरा, मालाशा का मंदिर, नार का चोटा, बालजन पाड़ा, ऊपरी मोहल्ला, बागर मोहल्ला, इसके अलावा मीरा गेट, इसके अलावा जितनी भी दलित बस्तियां हैं, मैं एक एक दलित बस्ती में जाकर राजेश खटीक के मामले में जनता से संपर्क करूंगा, साथ ही साथ हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए कार्यकर्ता वो भी आपके सब साथ कोतवाल साहब सामने खड़े हैं। मैं कहता हूं कोतवाल साहब, सूट के बटन है के, सूट का साफा है के, वो सूट कहां से आया और आज इस चेयरमैन को गिरफ्तारी करने की बात कर रहे हैं, सूट किसने गिफ्ट दिया है, जिसको आज चोर बता रहे हैं उस गिफ्ट की तो जांच करवा, आपके आचरण खुल जाएंगे। बरड़ क्षेत्र में जिस तरह से आए दिन अखबारों में खनिज संपदा के दोन की खबरें आ रही है, 13 साल से लूट किस मोसरे भाई ने बचा रखी थी, और आज 2.5-3 साल से लूट किस मोसरे भाई ने बचा रखी है, छुपी नहीं है। जिन मोसरे भाइयों के लिए जो शब्द लिखा गया है वो छोटा है, उनके लिए कोई बड़ा शब्द इस्तेमाल कर। राजेश के मामले में गोली बंद है, ये हमारा मुद्दा है। चोर चोर मोसरे भाई करता किया, आरटीआई एक्टिविस्ट की आवाज को दबा नहीं सकता। आत्मा रामचंद्र खोईवाल निवासी कागजी देवरा, बूंदी थाना कोतवाली, बूंदी जिला बूंदी का निवासी, जो कि मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष पद पर है, जो मानव कल्याण से संबंधित सेवा समिति में कार्य करता आ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से मरीजों को खून दान करना, गरीब मजदूर किसान की मांग उठाना, पीड़ित को न्याय दिलाना एवं विकलांग पुरुष महिलाओं को सामाजिक सहायता एवं न्याय दिलाने का कार्य गत 5 वर्षों से करता चला आ रहा है। ये कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के षड्यंत्रकारी नेता धर्मेंद्र शर्मा ने निर्दोष किसी व्यापारी को झूठे मुकदमे में फंसाने की योज में पीड़ित व्यापारी से 2 लाख रुपए की मांग की थी। व्यापारी ने कहा कि मैंने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया तथा मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, जिसे पीड़ित व्यापारी थाना सिटी कोतवाली बूंदी में पुलिस अधीक्षक महोदय बूंदी को कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़ित व्यापारी द्वारा न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा साहब के समक्ष परिवाद पेश किया, जो कि राजेश खोईवाल एक राजस्थान दर्पण न्यूज की पत्रकारिता करता है, जिससे पीड़ित व्यापारी ने अपने साथ हुई संपूर्ण घटना को मीडिया के सामने रखा, जिससे राजस्थान दर्पण पत्रिका में न्यूज आने पर कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा नाराज होकर
प्रार्थी व प्रार्थी के समिति के सदस्यों को झूठे मुकदमे फंसाने की योजना बनाई व शासन व प्रशासन से मिलकर प्रार्थी के खिलाफ सिटी कोतवाली बूंदी में कई झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। ये कि प्रार्थी के कई साल पुराने फोटो को एडिटिंग करके प्रार्थी के साथ शासन रचकर पुलिस से मिलीभगत करके झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए कांग्रेस नेताओं के द्वारा आए दिन प्रार्थी की छवि खराब करने के लिए मीडिया के माध्यम से ज्ञापन दिया जाता है, जिसे प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार मानसिक टेंशन में है। ये कि प्रार्थी एक दलित समाज से ताल्लुक रखता है जो राजस्थान दर्पण टीवी न्यूज चलाता है, इसी को लेकर इन कांग्रेस नेताओं में जलनता की भावना की वजह से इस प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। ये कि प्रार्थी को पूरे राजस्थान में अपने अच्छे कार्यों के लिए कारणों जाना जाता है, जिससे प्रार्थी को हार्दिक के गौरव सम्मान व बूंदी के रक्तवीर अवार्ड राजस्थान प्रेम रतन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जिसको मुलजिम मान कांग्रेस नेताओं के द्वारा षड्यंत्र रचकर झूठे मुकदमे में फंसाने की सोची समझी साजिश की गई है एवं की जारी है। अतः श्री मान से निवेदन है कि षड्यंत्रकारी कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रार्थी एवं प्रार्थी के समिति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए उक्त झूठे मुकदमों में न्यायहित में निष्पक्ष जांच करवाते हुए उक्त झूठे मुकदमे करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई फरमाने की कृपा करें। यदि समय रहते हुए दोषी कांग्रेस नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो समिति व समाज के लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन और प्रशासन की सरकार की होगी। चोर चोर मोसरे भाई मुर्दाबाद 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 चोर चोर मोसरे भाई मुर्दाबाद 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 चोर मोसरे भाई मुर्दाबाद 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 मोसरे भाई होश में आओ होश में आओ मोसरे भाई होश में आओ होश में आओ होश में आओ चोर चोर मोसरे भाई होश में आओ होश में आओ होश में आओ दलित उत्पीड़न नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा दलित उत्पीड़न नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए और प्रेस से जुड़े हुए और हिंदू धर्म के संगठन जुड़े सेवा रखा है। विषय उदाहरण के सोशल मीडिया पर सामान्य रूप से कोई भी विषय आता है जिसमें उसकी तारीफ भी होती है, आलोचना भी होती है, समालोचना भी होती है, सुझाव भी दिए जाते हैं। तो सामान्य क्रम में कोई विकास कार्य को लेकर या कोई इस तरह के विषय को लेकर कोई बहस चल रही है, तो जब कई गतिविधियों में नेताओं की एक साथ एक था जिसको पेन करिए दोनों आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दोनों नेता आज से चार साल या पाँच साल पहले कोई फंक्शन में गए सात दिन और ये बिल्कुल फ्रेश सूट था और आपने थोड़ा सूट पर ही गौर किया है, मैंने बटन तक जेब तक पे गौर कर लिया। उस समय क्या था साहब, चुनाव हुआ था नगर परिषद का और कांग्रेस के पार्षद इधर शिफ्ट किए गए थे और उस फिक्र उससे क्या तो ज़्यादा गहराई से जिक्र करना उचित भी नहीं। तो उस समय इस तरह की शहर में चर्चा हुई थी कि ये जो सूट जो पहन कर आए थे उस सूट के जरिए एकता दिखाने का प्रयास था भी मिलकर चलो हम दोनों एक। और आज चुनाव सामने आ गया दोनों आमने सामने, तो पुरानी जो पोस्ट थी इन्होंने लिख दिया है मोसरे भाई भाई तो यह है। अब होना तो ये चाहिए था और जो चेयरमैन था जिसको बेटा बताते थे आज उस चेयरमैन को कह रहे हैं वो चोर है तो उसको ऐसी में भेजूंगे तो ये सूट नहीं चेयरमैन ने गिफ्ट लिया है दोनों को। तो विषय तो ये था कि सूट की जांच होनी चाहिए थी, ये किस टेलर ने सिला, कहाँ से खरीदा गया, दोनों के बटन एक जैसे हैं, जेबें एक जैसी है, उसकी जो डिजाइन स्प्लिट डाले हुए हैं वो स्प्लिट भी एक जैसे, अभी एक ही टेलर काम कर सकता है, चले तो एक ले जाओ। लेकिन सोशल मीडिया पर एक सामान्य पोस्ट डाल दी मोसरे में, तो उसको आधार बना के विषय कोई और था, कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको इंसिस्ट करके साहब उसको गिरफ्तार किया और एक बार तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पार्षद उन्होंने आकर संयुक्त रूप से क्या बन गया, एक बार अलग अलग विषय यहीं से पैदा होता है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष सब पर टिप्पणियाँ होती है, कोई ना कोई निर्णय होगा उसको कोई आलोचना करेगा वो तारीफ करेगा, सामान्य प्रक्रम की चीज़ है। डिफेमेशन का जहाँ तक मामला आता है, डिफेमेशन जब तक आप व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करो और उस टिप्पणी का कोई आधार नहीं हो, व्यक्तिगत रूप से अगर कोई ठेस पहुँचाती है या व्यक्तिगत रूप से माना नहीं होती है उस टिप्पणी पर कार्रवाई अवश्य होती है, मैंने भी लोक ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रशासन पर अननेसेसरी फोर्स क्रिएट करने के दृष्टिकोण से उन्होंने कक्षा को ज्ञापन दिया। कक्षा ने उसकी मूली कॉपी जस्टिस साहब के फॉरवर्ड करने के बाद राजेश के यहाँ पुलिस भी चली गई
और ये मेरे मोहल्ले का हिसाब करते हैं। मैंने उनको यही कहा शांति करो, एक बार प्रशासन से चक्कर मिलेगी। प्रशासन को मांग करते हैं कि इस फूट की जांच की जाए, ये जड़ कहाँ से पैदा हुई, क्योंकि एसीबी तक मामला जा रहा है, तो पहले तो इनकी जांच करो। दूसरी बात, ये जो आज ज्ञापन है, प्रशासन समय अच्छा काम कर रहा है, इससे दलितों को के सामने जो समस्या आई उसमें एसपी साहब की भी और पुलिस साहब की भी पूरे प्रशासन की भूमिका उनकी राज्य स्तर पर तारीफ होगी। उसी के एडवर्स अननेसेसरी को कोई मैटर नहीं बनता, और इसको अगर गिरफ्तारी किया जाएगा तो ये दलित समाज से संबंधित। मैं पूरे नगर की सारी दलित बस्तियों में जाकर लोगों को खड़ा करूँगा रजिश की गिरफ्तारी के विरोध में, और दलित ही नहीं, मेरी सीरियस मामले में गुर्जर साहब से बात हुई, और इस मामले में अगर कोई कार्रवाई हुई तो हम बूंदी बंद तक का नहीं कर सकते। मैं परसों मलाशा के मंदिर, बागर, नारगा चोटा, वाजनपाड़ा, गणेश गली, अंदर के जितने भी मॉल हैं, लगातार मैंने सुबह से लोगों से कॉन्टेक्ट किया, और उस सब पक्ष में मेरा निर्णय कि प्रशासन को इस निर्णय को सूझबूझ से लेते हैं, और हमारी भी मूल्य प्रति अपने डी ओ बेटर साहब एस पी साहब के और एस पी साहब चाहे तो वार्ता करने में बुला लें, बहुत स्वार्थपूर्वक बैठ के वार्ता करेंगे। कोतवाल साहब में समझदार पुराने हैं, मेरे इनसे बहुत अच्छे संबंध है पुराने हैं। मेरा इनसे ये कहना है कि ऐसे विषय पर प्रशासन जो इतनी मेहनत कर कर जो हम बाकी चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें समाज के सामने और लिप्त नहीं हो जाए। एक गलत कार्रवाई 10 अच्छी कार्रवाई पर सवाल या निशान पर रखें, और ये ऐसा विषय नहीं है। समझदारी तो उन दोनों को रखनी चाहिए थी कि ऐसा विषय खड़ा नहीं करता। कार्यकर्ता हम इंसिस्ट नहीं करते, उनको एक उनका कोई निजी कार्यकर्ता है उसने उनको चढ़ाकर इस तरह की कार्रवाई कर दी, उसके बारे में भी सारा विवरण ये बता रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि विषय क्या है, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं बनती थी जितना तत्परता से वहाँ लेटर लिख दिया जाता, पुलिस इनके घर पहुँचा। मेरा ये कहना है कि इस विषय में अगर हुई तो हम सब गिरफ्तारी देंगे, लाके अकेला गिरफ्तार नहीं, मैं खुद बैठूँगा खुद पर। और मुझे और चाहो उनके जो कारनामे बरड़ क्षेत्र में 13 साल से, मैं एडम साहब आपके सामने कह रहा हूँ, आप रेवेन्यू के रक्षक हैं, 13 साल से आप थे नहीं, 13 साल से खनिज संपदा का बेहताशा दोहन हो रहा है। मैं जगह बता सकता हूँ आपको, माला की और गए तो निशान मिले। जो लोग निजी लोग, कार्यकर्ता नहीं कहूँगा मैं, तो निजी लोग जुड़े हुए थे, मोटरसाइकिल ली थी उनके पास, आज उनके पास 30-30 बीघा जमीन होती पता चल रही, 2.5-3 करोड़ की कोठियाँ बिक रही, बिना टोकन के माल निकल रहा है, बिना रवाना। तो ये शब्द मोसर भाइयों के लिखा है, उनको डकैत लिखना चाहिए, और वही काम अब ये कर रहे हैं। तो जो चरित्र सामने आएगा समाज के सामने, तो वैसे ही विचार भी सामने आएगा, और तारीफ सुनने वाले को आलोचना सुनने के लिए तैयार। मैं खुद सोशल मीडिया पर मेरे लेकर कोई टिप्पणी लिखता है तो मैं उस टिप्पणी का अध्ययन करता हूँ, मनन करता हूँ, और कहाँ गलती है उसमें सुधार होना ही चाहिए, और कोई बात हुई है तो आप व्यक्तिगत रूप से बुला के बातचीत करो, डायलॉग सुना चाहिए। और हैरेसमेंट की अगर कार्रवाई करोगे तो हैरेसमेंट तो जितना गेंद को दबाएंगे उतनी उसकी न्यूटन की गति का नियम और इसका रिएक्शन होगा। तो मेरा ये निवेदन है, मैं इसीलिए व्यक्तिगत रूप से आया हूँ, और अपनी वार्ता बहुत अच्छी हुई, मैंने पुलिस को भी ये किसी चीज की बात बोल दी है, तो मैं पूर्ण इस बात और जिस काम को हम नहीं कर पाएंगे उसको भी कर सकेंगे, क्योंकि एक तो हम जातिवाद में बढ़कर टुकड़े 6,000 साल तो तैयार जाते हुए बांटे गए, और हम अलग अलग बच्चा के और सारा चीन के झंडे अपने लोग उठा रहे हैं अलग अलग भागों में, क्योंकि जब तक अपन बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर और तथागत गौतम बुद्ध के दम में दम को नहीं फटेंगे, इनको नहीं जानेंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बंद करो कांग्रेस।